जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रविवार को हापुड़ पहुंचे। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू चौक पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमें उन चीज़ों का समर्थन करना होगा जो हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि देश पुलवामा अटैक का शांति, धैर्य और समर्थन के साथ पूरा बदला लेगी। जिस प्रकार हम सब लोगों के बीच में जोश है और उसके साथ रोष भी है, ये रोष जरूरी है क्योंकि हमारे इतने सैनिक आतंकवाद के शिकार हुए हैं, उनके परिवार आज अलग थलग पड़ गए हैं। देश को अपने सरकार के साथ, अपने नेतृत्व के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंक के आकाओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको समझ में आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे, इससे आशय साफ है। शांति के साथ, धैर्य के साथ, समर्थन के साथ देश पूरा बदला लेगा। कोई प्राकृतिक रूप से और स्वाभाविक और सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं, ये बाई प्रोडक्ट राष्ट्र है और जो बदला है उसको फिर पुनः मूल स्वरूप में आ रहा है, उसको मिट करके पुनः मूल स्वरूप में आएगा और जिस दिन ये मिट जाएगा उस दिन पूर्व है ये भारत से अलग हुआ था। आज इसकी दशा किस प्रकार की है ये पूरी दुनिया जानती है। आज हम कह रहे थे दुनिया के 48 देशों ने हमें समर्थन दिया है। मित्रों, 48 देशों में नहीं, पूरी दुनिया हमारी